हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आज फिर आपके सामने लेके आया हूँ एक बीमारी और उसके इलाज और उसके लक्षण के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो बीमारी है पार्वो वायरस। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि हमारे डॉगों में होती है। ये सबसे ज़्यादा असर दिखाती है 5 महीने से कम पिल्लों पर। हाँ, इससे क्या होता है, इस बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। ये वायरस होता है जो सीधा हमारे पिल्लों पर, उनके दिल पर अटैक करता है। उनकी मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं, वे सुस्त रहते हैं, वातावरण में कोई रुचि नहीं लेते, उनको उल्टी दस्त हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम के बारे में। उससे पहले दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिम्टम क्या क्या होते हैं? ये सिम्टम होते हैं, कुत्ते को उल्टी दस्त हो जाते हैं। कुत्ता जो भी खाता है पीता है उल्टी कर देता है, दस्त कर देता है। इसकी लैटरिन में जो कुत्ते की पोटी होती है उसमें बड़ी ज़बरदस्त बदबू आती है, बहुत दूर तक बदबू आती है। इसका बचाव, सबसे पहले इसका बचाव का तो मेन कारण यही है, कुत्ते को पार्वो की वैक्सीन करवाएं जब वो 5 महीने से कम हो। फिर भी लेटिन करवा नहीं पाते तो क्या होता है, तो कुत्ता बीमार हो जाता है। पायरो वायरस ये एक बड़ा सताई वायरस होता है। 8 महीने तक मकान में, जूतों में, किसी भी जगह रहते हैं और ना जाने वाला होता है। इसमें कुत्ते का भी बुखार रहता है। कुत्ते का टेम्परेचर 3 से 4 के बीच में रहता है। कुत्ते को उल्टी दस्त होते हैं, डायरिया जैसे डायरिया में होते हैं, जिससे पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन से कुत्ता मर भी सकता है। ये सबसे ज़्यादा बीमारी पाई जाती है रोटवाइलर, जर्मन शेफर्ड, पिटबुल। जर्मन शेफर्ड, इसमें जर्मन शेफर्ड पिटबुल वगैरह तो रिकवरी कर लेते हैं, लेकिन रोटवाइलर एक ऐसी नस्ल है जिसको 99% चांसेस होते हैं, रियली चांसेस होते हैं कुत्ते के बचने के। इसलिए हम आज आपको बताएंगे इसका उपचार कैसे किया जाए। अगर किसी कुत्ते को पारवो वायरस हो जाता है तो उसको सबसे पहले दस्त रोकने के लिए एंटीडायरल की दवाई दी जानी चाहिए। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स IM मांसपेशियों में लगाएं, गैमाग्लोबिन भी लगाएं साथ में, और साथ में इलेक्ट्रो का घोल बना के पानी में खिलाएं। एंटीबायोटिक के रूप में हम इसमें एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन को भी लगा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ग्लूकोज में लगा के सीधा नसों में देना है। और दोस्तों, मैं तो आज आपको यही कहूँगा, अगर हमें अपने कुत्ते का बचाव करना है तो सबसे बेहतरीन उपाय है पारो वायरस से बचाना है तो उसकी प्रॉपर वैक्सीन करवाएं। ये टीका 4 माह से कम उम्र की में लगता है। अच्छा दोस्तों, बाय बाय। अब हम आपके लिए अगले एपिसोड में किसी नई बीमारी के बारे में लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले।